हेलो, इस वीडियो में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करेंगे। हम सब इंटरनेट के बारे में जानते हैं, लेकिन ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? जब हम अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टैबलेट्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो इंटरनेट के जरिए हम दुनिया भर के कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और मशीन से जुड़ जाते हैं। इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन म्यूजिक सुन सकते हैं और बहुत कुछ। अब इंटरनेट आने के बाद सभी ने सोचा कि क्या हम अपने आसपास मौजूद बाकी चीज़ों को भी इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, जैसे कि कार, घड़ी, लाइट, टीवी, मशीन्स। एक बार अगर कार इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है तो हम उसका फ्यूल मीटर, स्पीड और कार की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अपने मोबाइल से लाइट और सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रोज़मर्रा की चीज़ों को लेना, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स को डालना और फिर उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना, ताकि वह हमारे टाइप करे बिना डेटा कलेक्ट कर सके और रिसीव कर सके, इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक सेंसर लगा है जो मिट्टी की नमी का पता लगाता है और नमी कम होने पर ऑटोमेटिकली कमांड सेंटर को एक अलर्ट भेजता है, जो एक रिमोट स्विच के द्वारा स्प्रिंकलर चालू करता है ताकि पौधे को पानी मिल सके। अब हम IoT के इतिहास को देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT शब्द का नामकरण केविन एश्टन द्वारा 1999 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल की दी गई एक प्रेजेंटेशन में किया गया था। पर उससे भी पहले जब इंटरनेट की खोज की गई थी 1982 में, कार्नेगी मेलन के रिसर्चर्स ने एक वेंडिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ा जो बता सकती थी कि सोडा ठंडा है कि नहीं। 1990 में पहली बार इंटरनेट के द्वारा एक ब्रेड टोस्टर चलाया गया। सन 2000 में LG ने पहला स्मार्ट फ्रिज इंट्रोड्यूस किया। 2004 में स्मार्ट घड़ी का आविष्कार हुआ और 2007 में स्मार्ट आईफोन और कलाई में पहनने वाली फिटबिट मार्केट में आई। 2009 में गूगल ने बिना ड्राइवर की कार की टेस्टिंग की शुरुआत की और 2011 में स्मार्ट टीवी भी मार्केट में आए। 2013 में गूगल लेंस रिलीज हुआ और 2014 में एको, जिससे स्मार्ट होम मार्केट को बहुत बढ़ावा मिला। 2015 में टेस्ला ऑटो पायलट फीचर के साथ आई। IoT की डिवाइसेस और सेंसर्स जैसे जैसे सस्ते होते जा रहे हैं, उनकी मांग और बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं कि IoT कैसे काम करता है। IoT इम्प्लीमेंट करने के लिए चार मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला डिवाइसेस या सेंसर्स, फिर कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले है सेंसर्स। ये एक डिवाइस है जो वातावरण से फिजिकल इनपुट को माप सकता है और इसे डेटा में कन्वर्ट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर पढ़ सके। उदाहरण के लिए मोशन सेंसिंग करना, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, साउंड आदि सेंस करना। ये सेंसर्स आमतौर पर माइक्रोप्रोसेसर के साथ ही इंटीग्रेटेड होते हैं, ताकि वे डेटा कलेक्ट करके इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी भेज सके। IoT का अगला कंपोनेंट है कनेक्टिविटी। IoT में कई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। डिवाइस की रेंज, पावर यूसेज, कॉस्ट, डेटा रेट आदि के आधार पर सही कनेक्टिविटी का सिलेक्शन किया जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, लोरावैन आदि। ये सभी सेंसर डेटा को इंटरनेट के द्वारा एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भेजते हैं। इसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग स्टेज में कंप्यूटर सेंसर के रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है, जिसे हम समझ सके। यह परिवर्तन विभिन्न डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक से किया जाता है। इसमें एक काम तो सिर्फ यह हो सकता है कि अलग अलग डिवाइसेस का डेटा एकत्रित करना, जैसे कि घर की सारी लाइट, AC और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ये डेटा प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो फीड में से कार की नंबर प्लेट्स पढ़ना। इस स्टेज में हम
डेटा क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं ताकि हम उसमें से कुछ पैटर्न ढूंढ सके हमारे एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद आता है यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है उसे हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं, जैसे कि एक ऐप जो अलार्म ट्रिगर कर सकती है या हमें नोटिफाई कर सकती है ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। कंप्यूटर यूजर्स को लाइव फीड भी दिखा सकता है या ट्रेंड्स भी दिखा सकता है। एक एप्लीकेशन इंटरफेस के द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस वापस भी भेज सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को रीसेट करना या मिट्टी की नमी के आधार पर पौधों को पानी देना आदि। अब हम देखते हैं कि IoT के क्या क्या फायदे हैं। इसकी वजह से हमारा मैनुअल वर्क कम होता है और समय की भी बचत होती है। आगे जाकर ऐसे और डिवाइसेस आएंगे जो सब कुछ ऑटोमेटिक कर देंगे और आप सब कुछ एक जगह से कंट्रोल कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कार हाईवे पर फास्ट स्पीड पे चल रही है तो कैमरास ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करके पुलिस कंट्रोल रूम में अलर्ट कर सकते हैं। IoT से ऑटोमेशन और टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इनसे टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी, जैसे बिना ड्राइवर्स की कार्स। इनकी मदद से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, हवा को ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकेंगे। जैसे कि मॉइस्चर सेंसर का उपयोग करके एक किसान यह तय कर सकता है कि उसे पौधों को कितना पानी देना है। IoT के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा को सिक्योर रखना सबसे बड़ा इश्यू है। जब हम इसे घर या बड़ी इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो इंटरनेट के द्वारा नेटवर्क अटैक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका सभी पर्सनल डेटा इंटरनेट पर भेजा जाता है। आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि IoT को हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसे यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में आजकल बायोसेंसर्स और वेरिएबल डिवाइसेस आ गए हैं, जो कहीं भी आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर आदि चेक कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स को अलर्ट भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में हम ड्रोन के द्वारा फसल की पूरी निगरानी रख सकते हैं। मॉइस्चर और सॉइल सेंसर्स के द्वारा पानी की बचत कर सकते हैं और मिट्टी का संतुलन बनाए रख सकते हैं। हमारे घरों और बिल्डिंग को स्मार्ट बनाने के लिए भी IoT का उपयोग होता है। कैमरा सर्विलेंस, स्मोक, साउंड डिटेक्शन, यह सब IoT के ही एग्जाम्पल हैं। स्मार्ट लाइट स्विचेस और लॉक्स सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। IoT के माध्यम से हम सीमित साधनों का उपयोग करके समान कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट ID कार्ड्स ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेते हैं। जैसे ही स्टूडेंट स्कूल या बस में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं, ये ऑटोमेटिकली बच्चों के माता पिता को अलर्ट भी भेज सकते हैं। आजकल स्कूल में स्मार्ट बोर्ड भी आ गए हैं, जिनसे टीचर्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं और बोर्ड से ही ऑटोमेटिक ऑनलाइन होमवर्क भी भेज सकते हैं। IoT का उपयोग रिटेल में स्मार्ट शेल्फ्स के लिए किया जाता है। इन स्मार्ट शेल्फ्स में ऑटोमेटिक डिजिटल प्राइस लेबलिंग आ जाती है और शेल्फ हल्का होने पे ऑटोमेटिक अलर्ट भेजा जाता है रिफिल के लिए। डिजिटल एड्स और एप्स के माध्यम से रिटेल कंपनीज पर्सनलाइज्ड और इंटरैक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। IoT का उपयोग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है स्मार्ट सप्लाई चेन बनाने के लिए। इससे हम इन्वेंट्री को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की मदद से प्रोडक्शन बढ़ता है और रिसोर्सेज भी बेटर यूटिलाइज होते हैं। IoT का एक बड़ा एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन। भारत की स्मार्ट सिटी मिशन का नारा है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव सिटीज को बढ़ावा देना, जो अपने नागरिकों को रहने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें साफ और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और स्मार्ट सॉल्यूशंस के उपयोग से उनकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण में 100 सिटीज शामिल हैं और ऐसा मानना है कि इसकी सफलता से ये मिशन कई और शहरों में भी इम्पैक्ट कर सकता है। इस मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स में पहला है स्मार्ट गवर्नेंस,
जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोई भी डिजास्टर, ट्रैफिक, क्राइम, पानी, स्वच्छता, सफाई आदि को इंटीग्रेट करके मैनेज किया जाता है। सभी सरकारी सेवाओं, सूचनाओं को वेब या ऐप पे ऑनलाइन कर दिया गया है। स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट ग्रिड का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जो अब पूरे 24 घंटे बिजली सप्लाई करेगा। इसमें स्मार्ट मीटर्स और अप्लायंसेस का उपयोग हुआ है और रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि हवा और पानी से बिजली निर्मित करी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं और मोबाइल लर्निंग शुरू की गई है, जिसमें सब बुक्स और क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करी जा रही हैं। गवर्नमेंट ने स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर्स या स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए हैं और ई डॉक्टर सेवा को भी लॉन्च किया है। सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करके ऑनलाइन डाले जा रहे हैं। स्मार्ट वाटर सॉल्यूशंस लागू किया गया है ताकि सभी को साफ पानी पहुंचाया जा सके। इसमें गूगल मैप्स को इंटीग्रेट किया गया है ग्राउंड वाटर सप्लाई से। सेंसर्स लगाए गए हैं पानी की लीकेज को रोकने के लिए। इसमें स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, जिसमें सिटी के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरा नेटवर्क को इंटीग्रेट करके एक जगह से मैनेज किया जाता है। तो अगर हम समराइज करें तो IoT हमारी पूरी दुनिया बदल रही है। ये एक विशाल नेटवर्क बना रहा है जहां सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये ऑटोमेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, जहां डिवाइसेस एक दूसरे के साथ बात करेंगे बगैर हमारे इंटरवेंशन के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।